सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी ब्लॉग्स को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश और स्वागत है आपका गुरुजी ब्लॉग्स की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक मैकेनिकल कीबोर्ड की, और अनबॉक्सिंग के बाद मैं अपना रिव्यू दूंगा इस मैकेनिकल कीबोर्ड का। आज हमारे पास है जेब्रोनिक्स का मैक्स प्लस मैकेनिकल कीबोर्ड, तो आइए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये कीबोर्ड कोई बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ नहीं आता, एक सिंपल से बॉक्स के साथ आता है, और इसमें सामने की तरफ लिखा हुआ है प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड मैक्स प्लस, और इधर जेब्रोनिक्स का लोगो है। कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक फुल साइज़ मैकेनिकल कीबोर्ड है, मतलब कि इसमें 104 कीज़ हैं। ये टैक्टाइल फील के साथ आता है और मल्टी कलर LED प्री प्रोग्राम्ड LED मोड्स हैं, प्लस एक प्रोग्रामेबल मोड है, और साथ में इसमें विंडोज़ की डिसेबल इनेबल का फंक्शन है। ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आप एक गेमर हैं। रबर ग्रिप है और रिट्रैक्टेबल स्टैंड भी है। इनको हम देखेंगे, जो इसका इंटरफेस है वो USB है, मैकेनिकल कीबोर्ड है, 104 कीज़ हैं। की प्रेशर इसका 50 ग्राम्स है और की ट्रैवल डिस्टेंस इसका 4 mm है। की लाइफ स्पैन इसकी 10 मिलियन है और की कैप ड्राइंग फोर्स इसकी 2 ग्राम है, और ये काफ़ी हैवी कीबोर्ड है। इसका वेट करीब करीब 1.25 किलोग्राम्स है। तो आइए चलते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। कीबोर्ड के साथ में इसमें एक पेपर मिलता है जिसमें कि डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं इसके। तो ये है हमारा कीबोर्ड जेब्रोनिक्स मैक्स प्लस मैकेनिकल कीबोर्ड। कुछ ऐसा लगता है देखने में। ये प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है और इसमें ब्रेडेड केबल आती है जो कि प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड्स में आती है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, और साथ ही इसमें स्ट्रिप्स मिलते हैं केबल मैनेजमेंट अच्छे करने के लिए। ये कीबोर्ड मैट ब्लैक कलर में आता है मैट फिनिश के साथ। और बात करते हैं अब इसकी की स्विचेस की। इसमें हमें मिलते हैं ओटोमो के ब्लू स्विचेस जो कि चेरी MX के कॉपी हैं, और साउंड और फील में काफ़ी सिमिलर हैं चेरी MX के। साउंड की बात करें तो कुछ ऐसी साउंड आती हैं इसमें। अब चलते हैं इसकी बैक साइड में और देखते हैं कि बैक साइड कैसी है। बैक में हमें मिल जाते हैं रबड़ पैड्स दोनों तरफ कीबोर्ड के, और 2 रिट्रैक्टेबल पैड्स मिल जाते हैं, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। ये इंश्योर करते हैं कि जब भी आप टाइपिंग करते हैं, फास्ट फेस टाइपिंग करते हैं, टच टाइपिंग या फास्ट फेस गेमिंग करते हैं, तो आपके कीबोर्ड सरफेस पर फिसलेगा नहीं। और इस कीबोर्ड में 11 मल्टीमीडियाज की मिल जाती हैं जो कि हम फंक्शन की के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से LED कलर मोड हैं। किसी भी कीबोर्ड में RGB लाइट होना एक खुद में एक कन्वर्सेशन स्टार्टर है, क्योंकि कोई भी अगर आपके कीबोर्ड में लाइट देखेगा तो वो खुद ही पूछ बैठेगा कि ये कौन सा कीबोर्ड है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से LED मोड्स हमें मिलते हैं। इसमें टोटल 7 LED मोड्स मिलते हैं जो कि हम FN की के साथ इन सभी 6 कीज़ और एक इस स्क्रॉल की के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं FN प्लस स्क्रॉल लॉक। ये कुछ ऐसा है स्नेक की तरह। सेकंड है FN प्लस इंसर्ट, एक वेव फॉर्म में है। फिर आता है FN प्लस होम बटन। कैमरा में आपको कुछ ज़्यादा ही ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ब्रीदिंग मोड है। चलिए नेक्स्ट LED मोड की तरफ, पेज अप, और ये कुछ रिपल मोड है इस तरह से, जो भी आप की दबाएंगे उसकी तरफ से रिपल निकलेगी। फिर हम चलते हैं FN प्लस डिलीट।
ये कुछ स्वीप मोड की तरह है। अब चलते हैं Fn प्लस डिलीट, और ये यहाँ पर LED ऑफ हो चुकी है। अगर आपको LED पसंद नहीं है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। फिर चलते हैं Fn प्लस पेज डाउन, और ये देखिए जो भी की आप प्रेस करेंगे सिर्फ वो लाइट अप होगी। अब चलते हैं, अब इसके ब्राइटनेस कैसे कर सकते हैं। ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए आपको Fn प्लस अप का बटन दबाना है, और ये आप देख रहे होंगे ये तीनों इंडिकेटर लाइट जल चुकी हैं। इसका मतलब ये कि फुल ब्राइटनेस हो चुकी है, और ये ठीक ठाक ब्राइट है। आप डे लाइट कंडीशन में देख सकते हैं कि अच्छे से LED लाइट दिख रही है। ब्राइटनेस कम करनी है तो Fn प्लस एरो डाउन, और ये बिल्कुल ऑफ हो चुकी है। आप अगर वेव की डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। Fn प्लस लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो लेफ्ट की तरफ स्टार्ट हो जाएगी, और Fn प्लस राइट की दबाएंगे तो ये राइट की तरफ रिपल शुरू हो जाएगी। इसी के साथ आप इसकी स्पीड भी कम और तेज कर सकते हैं। स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको Fn प्लस प्लस की दबाएंगे तो ये देखिए स्पीड तेज हो चुकी है। स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए Fn प्लस माइनस की, और ये जो इसकी लोएस्ट पॉसिबल स्पीड है वो हो गई है। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग और इसके फीचर्स। तो अब बात करते हैं रिव्यू की, इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, या फिर क्या अच्छा और हो सकता था, यानी कि प्रोज और कॉन्स की। तो प्रोज तो आप देख ही चुके हैं कि ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, बजट फ्रेंडली है और RGB भी है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। ये एक RGB मैकेनिकल कीबोर्ड है, लेकिन ये फुली RGB मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हो कि होंगे कि हर एक रो में एक कलर स्पेसिफिक है। अगर ये फुली RGB होता तो इसमें हर एक की में हर एक कलर अवेलेबल होता, जैसे कि हाई एंड मैकेनिकल कीबोर्ड्स में होता है। अगले कौन की बात करें तो वो है इसके फॉन्ट्स। इसके फॉन्ट्स कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं हैं। अगले कौन की बात करें तो इसमें केबल मैनेजमेंट के लिए कीबोर्ड के पीछे जगह नहीं दी गई है, जैसे कि और कीबोर्ड्स में हमें देखने को मिलता है। उसमें हम एक्स्ट्रा केबल टैग कर सकते हैं पीछे। अगले कौन की बात करें तो कौन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि एक बजट मैकेनिकल कीबोर्ड है, लेकिन अगर इसमें रिस्ट पैड होता तो काफ़ी अच्छा हो सकता था, क्योंकि काफ़ी लंबे लॉन्ग टाइपिंग सेशन के बाद रिस्ट में कभी कभार दर्द होने लग जाता है, तो बीच बीच में रेस्ट देना पड़ता है रिस्ट को। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें हमें मिलते हैं डबल इंजेक्शन की कैप्स, यानी कि जो भी कीज़ के ऊपर जो भी लेटर लिखा हुआ है वो जल्दी से फेड नहीं होगा। और ब्रेडेड केबल के साथ इसमें हमें देखने को मिलता है गोल्ड प्लेटेड USB कनेक्टर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ये कोरोजन होने से बचाएगा, और साथ ही डाटा ट्रांसफ़र स्पीड भी इसकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो ये थी Zebronics Max Plus की अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस कीबोर्ड के बारे में जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।